ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है काले चक्र में। और अब बात करते हैं शनि की साढ़े साती के दूसरे चरण के बारे में। साढ़े साती के दूसरे चरण में व्यक्ति को सेहत, करियर और रिश्तों से जुड़ी कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है ये जानते हैं, और मुझे लगता है आप लोग के लिए जानना बेहद अहम है। बताएं पंडित जी। देखिए, शनि की साढ़े साती के मध्य काल को शिखर चरण कहते हैं। शनि के दूसरे चरण में लोगों को कड़ी मेहनत करके भी सफलता नहीं मिल पाती है। अभी समय दूसरा चरण जो है वो कुंभ राशि वालों के ऊपर है। मेहनत का फल नहीं मिलता है, व्यक्ति फंसा हुआ सा महसूस करता है। शनि के दूसरे चरण में स्वास्थ्य प्रभावित होता है, शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता कमजोर हो जाती है। दूसरे शब्दों में इम्यूनिटी जो है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो कमजोर हो जाती है। शनि के दूसरे चरण में व्यक्ति को तनाव भी हो सकता है। शनि के दूसरे चरण में व्यक्ति की सोच, व्यवहार, कार्य करने की क्षमता पर भी प्रभाव पड़ता है। इन ढाई सालों में व्यक्ति को मानहानि का भी सामना करना पड़ सकता है। रिश्तों में दूरियाँ बढ़ती हैं, दुख और कष्ट बढ़ने लगते हैं। लेकिन ये सब उपद्रव उनके साथ होते हैं जो भगवान से विमुख हैं, जो देवी देवताओं से विमुख हैं, जो पूजा पाठ नहीं करते, जो धर्म में विश्वास नहीं करते, जो अहंकारी हैं, जो जिनके अंदर कूट कूट कर मैं भरा है, जो कहते हैं दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कहते हैं दिस इज माई ड्यूटी, ये सब सजा उनके लिए है। जो भगवान को शरणागत हो गए हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व भगवान में समर्पण कर दिया है, जो पूजा पाठ करते हैं, जो सुंदर कांड का पाठ करते हैं, जो हनुमान की उपासना करते हैं, जो भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करते हैं, जो शनि देव की पूजा करते हैं, उनका ये साढ़े साती कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। चाहे जितना बुरा साढ़े साती हो, कुछ नहीं कर पाएगा। करता उनका है जो अहंकार में डूबे हुए हैं, जो अपने मद में हाथी की तरह मतवाले हुए हैं, जो सोचते हैं कि मुझसे ज़्यादा कौन वैभवशाली, मुझसे ज़्यादा कौन ताकतवर, मैं ही अब सर्वस्व दुनिया का मालिक हूँ। ऐसे लोगों को शनिदेव फिर ऐसा कस करके सिखाते हैं कि फिर उनकी सात पीढ़ियाँ याद करती हैं। इसलिए अहंकार से बचना है। जब तक आपके अंदर अहम भाव रहेगा, तब तक आपके अंदर ईश्वर तत्व प्रभावित नहीं होगा, ईश्वर तत्व आपके अंदर नहीं झलकेगा। और जिस दिन आपका अहंकार मिटा, प्रभु करते हैं, प्रभु करेंगे, प्रभु की जैसी इच्छा, जिस दिन ये भाव आया उसी दिन से ताकर सदा करहुं रखवारी, जिम बालक राखई महतारी, ऐसे आपकी प्रभु रक्षा करेंगे जैसे छोटे बच्चे को माँ चलना सिखाती है और दोनों तरफ दोनों हाथ करती है, इधर बच्चा गिरेगा तो इधर संभाल लेगी, इधर बच्चा गिरेगा तो इधर संभाल लेगी, उसी तरह से प्रभु आपको संभालते हैं, प्रभु उसी तरह से आपको संभालते हैं। ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। इसलिए हम इंसान हैं, कोई पशु नहीं है कि प्रारब्ध के वशीभूत हैं। मैं कहता हूं जैसे ज्योतिष शास्त्र है, ये सारा भविष्य बताता है, लेकिन किसी संत महात्मा की कुंडली देख के उसके बारे में ज्योतिष एक शब्द सही बोल दे तो मैं कहूं। हमारे यहां कहा गया है, राष्ट्रस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम तिरिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवम न जानापि कुतो मनुष्य। वो कुंडली से ऊंचे उठ जाते हैं संत, जिनको भगवत दर्शन हो गया है, जिनको भगवत साक्षात्कार हो गया है, वो इस नवग्रह की कुंडली, ये नवग्रह उनके लिए रंक हैं, रंक भिखारी हैं, उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। ये बात भी समझने की है। जय मां विंध्यवासिनी। तो साढ़े साती में मुंह के बाद शनिदेव शरीर के किस अंग पर अपना कैसा प्रभाव डालते हैं ये भी जानते हैं पंडित जी, आप ये बताएं। लेकिन उसके पहले एक और मेरे मन में सवाल है, जैसे साढ़े साती चलता है और अभी हम करियर की बात भी कर रहे थे, कई बार ऐसा होता है जब करियर का मेन पड़ाव होता है, अगर किसी के कुंडली में उसी वक्त साढ़े साती, आपने कहा कि सबके कुंडली में आता ही है, तो क्या उसके लिए कुछ अलग से उपाय करें, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण टाइम होता है और साढ़े साती अगर उस वक्त आ जाए तो लोगों को परेशानी होगी। देखो, इसके बारे में हमारा एक सुझाव ये है कि जैसे इस समय मकर, कुंभ और मीन राशि साढ़े साती चल रही है जी। मकर कुंभ शनि का खुद का अपना स्थान है। अच्छा। मकर उसकी अपनी राशि है, कुंभ उसकी मूल त्रिकोण राशि है, इसलिए मकर और कुंभ राशि वालों को
उतना नहीं चिंतित होना चाहिए जितना अन्य राशि के लोगों को चिंतित होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि चाहे जितना निर्दयी आदमी हो, शायद ही कोई हिरण्यकश्यप होगा जो अपने बेटे को कष्ट देगा, नहीं तो कोई अपने संतान को कष्ट नहीं देता है। तो शनि की मकर और कुंभ राशि है और तुला उसकी उच्च राशि है, इन तीन राशि के जातकों को शनिदेव काफ़ी राहत देते हैं, ये मैंने मतलब कि व्यवहार में देखा है। अच्छा, ये मैंने व्यवहार में देखा है। हाँ, साढ़े साती जरूर है, लेकिन मकर कुंभ और तुला राशि है तो उनके ऊपर शनि का दुष्प्रभाव न के बराबर होता है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं होती। वहीं आप साढ़े साती के बारे में पंडित जी बताएं। शनि की साढ़े साती में मुंह के बाद शनि का अगला प्रभाव आंखों पर होता है। शनि का ये प्रभाव अच्छा रहता है, लेकिन इस समय आदमी जिस किसी आदमी को देख लेगा तो उसकी आंखों में इतना जहर होता है, विश्वास करिए हरा पेड़ भी सूखा हो जाएगा। जो लोग कहते नहीं है, नजर लग गई सब बर्बाद हो गया, इसी समय में आदमी के आंखों से इतनी निगेटिव ऊर्जा निकलती है कि वो जिसको भी ज्यादा देख लेगा वो अपने प्रभाव को खो देगा। क्योंकि शनि की दृष्टि ही ऐसी है, जहां जहां जिस भाव पर शनि की दृष्टि पड़ती है वो भाव नष्ट हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र का एक है, केन्द्राधिपतयः सौम्या शुभम नैवम दिशन्ति च क्रूरा नैवम अशुभम कुर्यु कोणपौ शुभदायकौ, स्थान हानि करो जीवो स्थान वृद्धि करो शनि। शनि जहां बैठता है वहां तो अच्छा करता है, लेकिन शनि की जहां दृष्टि जाती है उसको जला देता है। इसलिए ऐसे ही बृहस्पति के बारे में कहा जाता है, जहाँ बृहस्पति बैठता है उस भाव को तो थोड़ा डिस्टर्ब करता है, लेकिन जिस भाव पर उसकी पंचम नवम दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि होती है, उस भाव में जय जयकार हो जाता है। तो आगामी 3 महीने 10 दिनों तक शनि महाराज दाहिनी आँख को प्रभावित करते हैं। इसी समय में लोगों की आँख फड़कती है, लोग बहुत बेचैन हो जाते हैं। अगर पुरुषों की बाईं आँख फड़क रही हो तो उनकी बेचैनी आप उन्हीं से पूछिए, भविष्य के भय से एकदम आतंकित हो जाते हैं। और ये आँख का रोग कैंसर से भी ज़्यादा उन्हें डरावना लगने लगता है, अगर आँख 2-3 दिन तक फड़कती रही तो। अगर दाहिनी आँख फड़क रही है और किसी महिला की दाहिनी आँख फड़क रही है तो वो भी बेचारी परेशान रहेगी। इसका एक उपाय आप लोगों को बता देता हूँ, अगर बाईं या दाहिनी आँख का फड़कना शुरू हो जाए और वो आपके लिए अशुभ है तो आपको चाहिए बेलपत्र की व्यवस्था करें, और बेलपत्र का जो बीच वाला पत्ता बढ़ा हुआ होता है उसी पर, उसी को आँख पर चिपका करके और ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 11 बार बोल करके और उस बेलपत्र को जल में प्रवाहित कर दें या पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। इससे निश्चित रूप से आपके आँखों का फड़कना कम हो जाएगा। इस उपाय को 3 दिन करना चाहिए। हाँ, उसके बाद आगामी 3 महीने 10 दिन के लिए अपनी दृष्टि बाईं आँख पर हो जाती है। दोनों आँखों पर शनि का प्रभाव शुभ रहता है, बाईं आँख पर प्रभाव शुभ रहता है और दाईं आँख पर यह प्रभाव विजय कारक कहलाता है। जब दुश्मन ही आपसे नहीं टिक पाएगा, आपके आँखों में इतनी जलन होगी कि दुश्मन आपके सामने टिक ही नहीं पाएगा, तो विजय तो होगी, इसमें कहाँ दो राय है। जय माँ विंध्यवासिनी। तो साढ़े साती के दौरान मस्तिष्क, मुंह और आंखों के बाद शनिदेव शरीर के किस अंग पर अपना कैसा प्रभाव डालते हैं ये भी जान लेते हैं, बताएं पंडित जी। साढ़े साती के दौरान आंखों के बाद शनि का प्रभाव दोनों आर्म्स पर, भुजाओं पर पड़ता है। पहले 1 साल 1 माह 10 दिन इसका असर दाहिनी भुजा पर, और इसके बाद अगले 1 साल 1 माह 10 दिन तक इसका असर बाईं भुजा पर रहता है। दाहिनी भुजा पर इसका प्रभाव होता है, कैसे आपको पता लगेगा दाहिनी भुजा पर आपका प्रभाव है? ये दाहिनी बांह आपकी फड़केगी, फड़फड़ फड़फड़ फड़फड़, ये आपकी दाहिनी बांह फड़केगी, आपको पता चल जाएगा। अगर आप पुरुष हैं और आपकी दाहिनी बांह फड़क रही है तो आप मान लीजिएगा कुछ ऐसा उपलब्धि आप अर्जित करने जा रहे हैं जिसकी केवल आपने कल्पना की होगी, ऐसी उपलब्धि आपको मिलने वाली है, कुछ ऐसी सफलता आपको मिलने वाली है जो आपके जीवन की बहुमूल्य सफलता होगी।
विजय दिलाता है, और बाईं भुजा पर अगर फड़क रहा है तो उत्साह पराक्रम दिलाता है। लेकिन अगर पुरुष का बायां हाथ फड़क रहा है तो आप ये मानिए कि शत्रुओं के द्वारा, दुश्मनों के द्वारा कुछ ऐसा अशुभ संकेत आपको मिलने वाला है जिससे आप पराभूत हो सकते हैं, जिससे आपकी मानहानि हो सकती है, जिससे आपका नुकसान हो सकता है। जिस दिन अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घुसना था उस दिन वर्णन आता है कि अर्जुन का बायां हाथ फड़क रहा था। उन्होंने भगवान से कहा था, प्रभु मेरे बाएं हाथ में फड़कन हो रही है। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, युद्ध है तो कुछ न कुछ कहीं न कहीं हो रहा होगा, चिंता मत करो। लेकिन इधर अभिमन्यु मारा गया। तो कहने का आशय यह है कि पुरुष का बाएं भुजा का फड़कना ये अच्छी बात नहीं है, और दाहिने भुजा का फड़कना अच्छी बात है। इसी तरह से महिलाओं की वाम भुजा का फड़कना उनके सुख सौभाग्य का उदय कराता है, लेकिन दाहिनी भुजा का फड़कना उन्हें अपमानित और दुखी बनाता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो सारे साथी में शनिदेव पूजा के बाद शरीर के किस अंग पर अपना कैसा प्रभाव डालते हैं और ये प्रभाव कब तक रहता है ये भी जान लेते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, दोनों हाथों के बाद, भुजा के बाद शनि का प्रभाव दिल पर होता है। शनि की साढ़े साती में शनि का हृदय पर प्रभाव अच्छा रहता है। अब हृदय पर प्रभाव क्यों कह रहा हूं भाई, इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे लॉजिक है, मनुष्य का जो शरीर है ना, मनुष्य अपने माँ के पेट में जब रहता है तो उसका सर नीचे की तरफ रहता है और उसका रेक्टम, गुदा मार्ग, सबसे ऊपर शरीर में रहता है माँ के। और मनुष्य का मुंह जो होता है बच्चे का, वो एकदम नीचे की तरफ होता है, गुदा मार्ग सबसे ऊपर होता है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में रेक्टम अर्थात गुदा मार्ग पर 10 और 11 नंबर मकर और कुंभ राशि मानी गई है, और उससे थोड़ा सा ऊपर लिंग मूल है, यूरिनल, वहाँ पर धनु और मीन राशि मानी गई है। उससे थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो नाभि है, नाभि पर मेष और वृश्चिक राशि है जो मंगल की राशि है। उसके ऊपर आएंगे तो हृदय है, हृदय पर वृषभ और तुला राशि है। उससे ऊपर आएंगे तो कंठ है, कंठ पर जो है वो मिथुन और कन्या राशि है। उससे ऊपर आएंगे तो ये भ्रूमध्य है, भ्रूमध्य पर जो है यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव होता है। बाईं आँख पर चंद्रमा का, दाहिनी आँख पर सूर्य का प्रभाव रहता है। ये नवग्रहों का स्थान तो आपको मैंने बताया, ये बताने का मकसद मेरे ये है कि मैंने ये बताया कि 2 नंबर और 7 नंबर वृषभ और तुला, ये राशि हृदय पर स्पार्क करती हैं, हृदय पर प्रभाव डालती हैं। तो शुक्र जो है, तुला राशि जो है, ये शनि की उच्च राशि है। इसीलिए किसी की कुंडली में जब शनि उच्च राशि का होता है तो ऐसा आदमी हृदय से मजबूत, निर्णय लेने वाला, सब सुखों को प्राप्त करने वाला होता है। शनि का ये प्रभाव हृदय पर 1 साल 4 माह 20 दिन तक रहता है, और इस दौरान धन लाभ ही नहीं, जीवन के हर सुखों की प्राप्ति होती है। और अगर कुंडली में 7 नंबर में, तुला राशि में, चतुर्थ भाव में आपके शनि बैठा हुआ है तो क्या पूछना है। कर्क लग्न की कुंडली हो और तुला में शनि हो तो पूछना ही क्या है। आप जानते हैं ये कुंडली इंदिरा गांधी की थी, और इंदिरा गांधी ने अपने शासनकाल में अपने शासन का लोहा बनवा दिया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। यद्यपि उनका सप्तमेश होकर के शनि चतुर्थ भाव में था, जो उनके दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत दूरगामी परिणाम अच्छा नहीं दिया, उनके जीवन में दुर्घटनाएं भी हुई, जैसे पुत्र वियोग की स्थिति आई, वो सब चीज़ें हैं, लेकिन उनकी जो क्षमता थी, निर्णय लेने की जो क्षमता थी, और जो उनके अंदर एक अभय की भावना थी, डर की भावना नहीं थी, वो शनि के कारण था। इस शनि ने ही उनको चक्रवर्ती बनाया, और देश में ही नहीं विदेश में भी उनके नीतियों को लोग मानते थे। अटल जी ने तो साफ कहा था सदन में, ये इंदिरा चंडी का अवतार है। तो कहने का आशय यह है कि शनि देव
जब तुला राशि में होते हैं और अच्छे स्थान पर होते हैं, खास करके केंद्रवर्ती होते हैं, तो ये अपना शुभ फल भी देते हैं, केवल अशुभ फल ही नहीं देते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो शनि की साढ़े साथी के अंतिम चरण में व्यक्ति को कौन कौन सी मुश्किलें सहनी पड़ती है, साथ ही साढ़े साथी के अंतिम चरण में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये भी जान लेते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, शनि की साढ़े साथी के अंतिम चरण को अस्त चरण कहा जाता है। साढ़े साथी के पहले और दूसरे चरण की तुलना में शनि की साढ़े साथी का तीसरा चरण कुछ राहत देने वाला होता है, लेकिन आर्थिक कष्ट, खर्च में वृद्धि होती रहती है। साढ़े साथी के तीसरे चरण में कीमती सामान और धन की चोरी की आशंका बनी रहती है। जिस व्यक्ति पर शनि की साढ़े साथी का अंतिम चरण है, जैसे इस समय मकर राशि पर अंतिम चरण है, उसकी सोच नकारात्मक हो जाती है, पढ़ने में मन नहीं लगता है, सफलता पाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। शनि की साढ़े साथी के अंतिम चरण में व्यक्ति को संभल कर वाहन चलाना चाहिए, गलत संगत और गलत आदतों से दूर रहना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन बंद कर देना चाहिए। इस चरण में व्यक्ति को हमेशा बड़ों की सलाह लेकर ही काम करना चाहिए। ये सब चीज़ें अगर आप अपने जीवन में उतार लें, देखिए, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र आपको कॉलेज में पढ़ाया जाता है, विद्यालय में पढ़ाया जाता है, लेकिन जीवन शास्त्र आपको या तो समाज में पढ़ने को मिलता है या तो परिवार में पढ़ने को मिलता है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात नहीं है, लेकिन यदि आपको जीवन शास्त्र नहीं आता है तो ये दुर्भाग्य का विषय जरूर है। किसी से मिलने पर आपका फेस एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए, किसी के आवभगत के लिए आपको कैसे करना चाहिए, किसी से मिलने पर आपको किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, किसी को अपने पास रखने पर किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, किस तरह से अपना वेश परिवेश रखना चाहिए, किस तरह से आपको समय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को व्यक्त करना चाहिए, ये सब जीवन शास्त्र के अंतर्गत आता है। आप बहुत बड़े अधिकारी बन जाइए, आप UPSC क्वालिफाई कर लीजिए, आप IAS बन जाइए, टॉपर बन जाइए, और आपकी शादी टूट गई, आपका जीवन मुकदमा लड़ने में बीत रहा है, आपको जेल के पीछे जाना पड़ रहा है, ये तो फिर तो बहुत गलत बात हो गई। ये इसका सीधा मतलब है कि आपने जीवन शास्त्र नहीं सीखा है। पढ़ाई से कुछ नहीं होता है, जीवन शास्त्र एक अलग विधा है जिसे माता पिता के द्वारा, परिवार के द्वारा या समाज के द्वारा सीखा जा सकता है। इसलिए मैं अपने सभी दर्शकों से कहता हूँ, बच्चों को पढ़ाने के लिए उतना फोर्स मत करो जितना उनके अंदर जीवन शास्त्र डेवलप करने की कोशिश करो। और जीवन शास्त्र का डेवलपमेंट कैसे होगा? अपने घर में अच्छे लोगों का आवागमन होता रहे, उनका आगत स्वागत होता रहे, उनके बारे में सकारात्मक चर्चा होती रहे, अपने घर में ज़्यादा धन को लेकर के चर्चा न हो, ज़्यादा अमीरों की वाहवाही न हो, ईमानदारी की वाहवाही हो, सच्चरित्रता और निष्ठा की वाहवाही हो, ताकि बच्चों के मन में सच्चरित्रता और निष्ठा के प्रति एक भूख जगे। अगर घर में आप अधर्म और अन्याय से किसी सफल व्यक्ति का प्रशंसा करेंगे तो वो भी उसी रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे। तो घर का माहौल ही बच्चे के अंदर एक चरित्र का निर्माण करता है। अगर आप अपने भाई बहनों की बुराई करते हैं बच्चों के सामने, तो बच्चे भी कल बड़े होकर अपने भाई बहनों से प्यार नहीं करेंगे। अगर आप अपने माता पिता को हेय दृष्टि से देखते हैं तो बच्चे कल बड़े होकर के आपको हेय दृष्टि से देखेंगे। तो जीवन शास्त्र जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें हर समय सावधान रहना चाहिए। और धर्म की परिभाषा बहुत व्यापक है, धर्म की परिभाषा इतनी व्यापक है कि जहाँ एक तरह कहा गया है अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है, वहीं भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं मार मार तू मार, काट ले गर्दन इन लोगों का, ये मारने के योग्य हैं। तो भैया वहाँ तो अहिंसा परमो धर्म, यहाँ वध परमो धर्म। तो धर्म की व्याख्या बहुत विशद है, कौन सा उद्देश्य धर्म का किस बात को प्रभावित करता है, ये बात आपको किसी अपने शास्त्र से मिल सकती है या किसी शास्त्र ज्ञानी और आत्मस्वरूप के बोध किसी महात्मा से मिल सकती है।
नहीं तो धर्म की परिभाषा में आप भटक जाएंगे। तो शनि की साढ़े साथी और शनि की ढैया नुकसानदायक होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं हृदय से एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन मकर, कुंभ और तुला राशि वालों को थोड़ा चैन से सोना चाहिए, क्योंकि आपके राशियों में शनिदेव अच्छे ही होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो शनि की साढ़े साथी व्यक्ति को और कौन कौन से शारीरिक कष्ट दे सकती है सब बताएंगे आपको पंडित जी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। फिलहाल आप देखते रहिए कालचक्र।